मदर्स डे और आज सब अपनी अपनी माँ को, अपनी मदर को कुछ ना कुछ स्पेशल फील करवाने की कोशिश करेंगे, है ना। और करना भी चाहिए, क्योंकि माँ बनना आसान नहीं है, और उसमें भी वर्किंग मदर, वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी एक माँ ही है जो अपनी भूमिका बखूबी निभाती है, चाहे हमारी माँ हो या फिर इस दुनिया की माँ हो। सही कहा ना। तो चलिए आज आपको कहानी दिखा दें एक ऐसी माँ की जो अभी अभी माँ बनी है लेकिन साथ में काम भी कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं भारती सिंह की। एक ऐसा शब्द जिसे बोलने और सुनने में बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि माँ का रिश्ता ही अटूट होता है। ऐसे में जब मौका और दस्तूर दोनों ही मदर्स डे की तरफ इशारा करता है तो भला भारती सिंह कैसे पीछे रहने वाली है। भारती, जो कि हाल ही में एक माँ बनी है, भारती के चेहरे पर माँ बनने की खुशी साफ दिखती है। काम पर रहते हुए भी वो अपने बच्चे से दूर नहीं, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया के दौर ने माँ को बेटे से दूर होने ही नहीं दिया। इस वक्त तो वही मेरी माँ बना हुआ है जो मेरे बिना रह रहा है, है ना। सो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि फैमिलीज दोनों साथ में हैं, तो मैं कैमरे में देखती रहती हूँ उसको, ऐसे खिलौने की तरह खिला रहे होते हैं ना, तो मुझे बहुत शांति मिलती है। और आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कैमराज हैं तो हम देख लेते हैं घर में कि बेबी क्या कर रहा है। पहले के ज़माने में कैमरा मेम्बर नहीं होते थे, तो जो माएँ घर से बाहर काम करने जाती थी वो सुबह निकलती थी और शाम को ही अपने बच्चे को देखती थी। बट मैं लकी हूँ कि तब अब भी ये टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं बच्चे को देख सकती हूँ। भारती और हर्ष अपने पेरेंटहुड को काफी इंजॉय कर रहे हैं, ये बात तो साफ हो गई। साथ ही माँ बनने के बाद भारती में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। अब उन्हें पता चला है कि माँ का महत्व क्या है। मेरा बहुत ज्यादा अपनी माँ की तरफ झुकाव चला गया। जब मैं शूट पे होती थी मम्मी फोन करती, मम्मी बाद में करती हूँ ना, मम्मी यार चल रहा है ये, अभी मम्मी का फोन आता है तो मैं सब कुछ रोक के, हाँ मम्मी क्या हुआ, नहीं ऐसे ही किया था, तो फिर उस बात में भी प्यार आता है कि ऐसे ही किया था। आज मैं माँ बनी हूँ तो मुझे वो सारी फीलिंग समझ आ रही है, और मैं इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट पहले भी बड़ी मम्मी की बहुत करती थी, लेकिन अब माँ बनने के बाद तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो गई है, चाहे वो मेरी मम्मी हो या हर्ष की मम्मी हो। भारती के लगन जितने बेटे के प्रति है उतना ही काम को लेकर भी है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि भारती बच्चे को जन्म देने के एक दिन पहले तक काम कर रही थी, और तो और बच्चे को जन्म देने के ठीक 12 दिनों बाद काम पर लौट भी आई। ऐसे में ट्रोलर्स ने भारती को ट्रोल करने की खूब कोशिश की, लेकिन भारती ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मैं चाहती हूँ कि अपनी बॉडी के हिसाब से, आपकी बॉडी को पता है कि आप कितने फिट हो या नहीं हो। मेरी बॉडी को लगता था मैं काम कर सकती हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ना ये मेंटली होता है, अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है, आप स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, तो आप सब कर सकते हैं। मैं लास्ट डे काम करती रही, मेरा बच्चा भी अंदर मेहनत करता रहा, इसीलिए डिलीवरी में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। वापिस आने के बाद 12 दिन में एकदम ठीक हो गई और डॉक्टर की सलाह से वापस आई। काफी लोग ट्रोल कर रहे थे कि बच्चा घर में है और ये काम कर रही है, वो दूध कैसे पी रहा होगा, तो मैं बता दूं भाइयों आजकल पंप चले हैं जिसमें हम मिल्क एक्सप्रेस करके अपने बच्चे को पिला सकते हैं। सो मैं वही करके आती हूँ, एक दिन भी नहीं, दो दो दिन का खाना होता है उसके पास। भारती सिंह एक जिम्मेदार आर्टिस्ट के साथ साथ एक जिम्मेदार माँ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में आज जब मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो सास बहू और साजिश ऐसी प्रतिभाशाली और कर्मठ माँ को सलाम पेश करता है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।